दोस्तों आज का मैच जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में सेकेंड ODI मैच, जो कि 30 जून 3:30 दोपहर के बाद यह मुकाबला जो है न्यू रोड वर्केस्टर के पिच पर खेला जाने वाला है। आपको पता होगा पहला ODI मैच जो कि इंग्लैंड वुमेन्स ने इजिली विन कर लिया था, तो क्या आज के मैच के दोस्तों पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, क्या दोस्तों पिच रिपोर्ट रहने वाले, बैटिंग पिच होगी दोस्तों या बॉलिंग पिच, स्पिनर या पेसर, किसको ज़्यादा विकेट मिलने वाले हैं, खासकर दोस्तों हमारी मेगा ग्रैंड लीग टीम के हिसाब से बननी चाहिए, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं, अगर आप स्मॉल लीग या 3 से 4 मेंबर वाली टीम खेलते हैं, टीम बनाते हैं तो किस हिसाब से बना सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। हालांकि इंग्लैंड वुमेन्स तरफ से हमें कितने प्लेयर अपने फैंटेसी मेगा ग्रैंड लीग में लेकर के चलने हैं और न्यूजीलैंड वुमेन्स तरफ से कौन से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि इस मैच में आपको अपनी फैंटेसी मेगा ग्रैंड लीग टीम में जरूर लेकर के चलना है। हालांकि दोस्तों जैसे लास्ट मैच में आपने देखा कि न्यूजीलैंड वुमेन्स तरफ से काफी बड़े बड़े प्लेयर जो कि फ्लॉप हुए थे, बट वो इस मैच में आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देने वाले, ट्रंप कार्ड बनने वाले, तो भाई वीडियो आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपसे फिर से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस मैच में टीम वाकई बनाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट पाने के लिए भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है, जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाइए, पहला जो कमेंट मिलेगा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, अदरवाइज दोस्तों जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके यहाँ पे टाइटल के नीचे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, फिर आपको दो लिंक मिलेगी, सेम लिंक है, किसी भी लिंक पर क्लिक करके फाइनली आप लोग यहाँ पे आ सकते हो जहाँ पे आपको फ्री टीम मिलती है और दोस्तों जहाँ तक आपके जो लास्ट के अपडेट होते हैं मैच के वो भी यहाँ पे आपको शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी दोस्तों आज के इस मैच की अगर हम बात करें, अब पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली, आपको पता है काउंटी ग्राउंड भी कहते हैं इस वेन्यू को, स्टार्टिंग का जो नाम होता है, बाकी न्यू रोड वर्केस्टर की पिच दोस्तों यहाँ पे रेयर रहने वाली है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे ओमेन ODI के जो मुकाबले खेले गए वो है दोस्तों 7 और जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करी उसने 5 मुकाबले जीते हैं और चेस कर्नल टीम दोस्तों 2 मैच जीते हैं। हालांकि स्कोरिंग पैटर्न की बात करें ये पिच के हिसाब से स्कोर बनने देती है, अगर देखेंगे यहाँ पे 200 का स्कोर दोस्तों 3 बार बना है एंड यहाँ पे 200 से 249 के बीच का स्कोर जो है 3 बार बन चुका है, हालांकि 300 प्लस का स्कोर भी ये कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे बनने का मौका मिला, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह पिच जो है फिलहाल अब पिछले मैच के जैसे ही रहने वाले, जैसे कि पिछले मैच में आपने देखा कि बैट्समैन को काफी एडवांटेज मिल गया था इंग्लैंड वुमेन्स के, तो उसी प्रकार से ये पिच हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहां पे जो एवरेज स्कोर आप मान चलेंगे वो 200 प्लस का रहने वाला कि 200 यहां पे बन जाएगा इजिली अगर न्यूजीलैंड वुमेन्स बैटिंग करती है पहले दोस्तों, कहीं ना कहीं उस टीम की तरफ से भी आपको 200 का स्कोर एक्सेप्ट करना होगा और इंग्लैंड वुमेन्स अगर दोस्तों यहां पे पहले फिलहाल बैटिंग करे तो फिर उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप 250 का भी स्कोर एक्सेप्ट कर सकते हो यहां पे फर्स्ट बैट करते हुए। हालांकि दोस्तों बाउंड्री लेंथ जो है यहां पे इस स्टेडियम की तो वो थोड़ी सी शॉर्ट पड़ जाती है, तो इस हिसाब से बैट्समैन को काफी अच्छी हेल्प मिल जाती है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहां पे 378 का है, लोवेस्ट 152 रन पे टीम ऑल आउट भी हुई है। स्पिनर पेसर की बात करें तो यहां पे पेसर को ज्यादा विकेट मिली हुई है, हालांकि स्पिनर भी कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पे विकेट छटकाते हैं, क्योंकि सोफी क्लिस्टोन जो कि एक ऐसी बॉलर इंग्लैंड वुमेन्स तरफ से जो कि काफी अच्छी फॉर्म में रहती है, तो क्या उनको सीवीसी कर सकते हैं दोस्तों, फिर या तो नेट रिसीवर ब्रेंट या कैप्सी या फिर एमएलए, अगर किसका सीवीसी को कॉम्बिनेशन करके चलेंगे, कहीं ना कहीं इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को हमें ट्राई करना होगा बैटिंग सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे शेयर करी जाएगी, बस आप लोग वीडियो देखते रहिए। रिसेंट मैच की बात करें दोस्तों यहाँ पे जो इस वेन्यू पर खेले गए, लास्ट मैच जो यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में ही खेला गया था, देखिए यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन्स 197 रन पे ऑल आउट हो गई थी, न्यूजीलैंड वुमेन्स यहाँ पे दोस्तों 169 रन पे ऑल आउट हुई है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे पेसर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर को दोस्तों 11 विकेट मिल गई थी इस मैच में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्पिनर को भी विकेट ठीक ठाक मिल जाती है। एक मैच और देखिए, इंग्लैंड वुमेन्स यहाँ पे 219 का स्कोर कर रही है, ऑल आउट हो रही है 47 ओवर में और इंडिया वुमेन्स ये मैच हुआ था अपने, इंडिया वुमेन्स 220 रन बनाकर के मैच को जीत लिया था। इस मैच में स्पिनर को 3 विकेट मिली थी और दोस्तों पेसर को कहीं कहीं 10 विकेट मिल गई थी। इंग्लैंड वुमेन्स 233 का स्कोर 41 ओवर में और यहाँ पे वेस्ट इंडीज वुमेन्स 87 रन ही दोस्तों बना पाई थी, पेसर को 6 विकेट, स्पिनर को दोस्तों 7 विकेट मिल गई थी। और इंग्लैंड वुमेन्स एक मैच और देख लीजिए, 189 का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पे, साउथ अफ्रीका वुमेन्स जो है 193 बना करके मैच को जीत रही, हालांकि यहाँ पे दोस्तों स्पिनर को थोड़ी सी कम विकेट मिली थी और पेसर को टोटल यहाँ पे 10 विकेटें मिल गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पिनर को भी आपको रखना है और पेसर बॉलर जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, उनके साथ आप कहीं ना कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन भी ट्राई करके चल सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे हेड टू हेड मुकाबलों की, तो लास्ट 10 मैच अगर हम देखेंगे तो जिनमें न्यूजीलैंड वुमेन्स ने 2 ही मैच जीते हैं और इंग्लैंड वुमेन्स ने 8 मैच जीते हैं। लास्ट वाला मैच भी आपको पता है कि इंग्लैंड वुमेन्स ने मैच को जीत लिया था और न्यूजीलैंड वुमेन्स मैच को हार गई थी, तो कहीं ना कहीं विनिंग जो परसेंटेज होंगे गाइस वो इंग्लैंड वुमेन्स के रहने वाले, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा और ज्यादातर जो हमारी टीम का भाई कॉम्बिनेशन होगा, जो सिलेक्शन होगा वो इंग्लैंड वुमेन्स के खिलाड़ियों को लेकर के रहने वाला है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन्स की तरफ से जो पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको इस मैच की देखने को मिल सकती है, जो लास्ट के मैच में आपने देखी है, टेमी बेमाउंट और दोस्तों यहाँ पे मैं बाउसर
हेथर नाइट, नेस्ल सिल्वरब्रंड, डेनी वेट और यहाँ पे एमे जोन्स, चार्ली डिन, सोफी क्लोस्टोन, लॉरेन बेल और दोस्तों सारा ग्लेन और लॉरेन फिलर, इस हिसाब से आपको जो है इस टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी। हालांकि बात करें गाइस यहाँ पे बॉलिंग ऑर्डर के बारे में, तो स्टार्टिंग में जो आपको बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले लॉरेन फिलर, लॉरेन बेल और यहाँ पे नेट्स सिल्वरब्रंड, आप लोग देखिएगा ध्यान से। और डेथ में दोस्तों सोफी क्लोस्टोन, लॉरेन फिलर और यहाँ पे चार्ली डिन। अगेन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रेस स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म के बारे में। और अगर यहाँ पे इंग्लैंड ओमेंस पहले बैटिंग करती है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, किस हिसाब से सिलेक्शन करके चलेंगे, अगर दोस्तों चेस करती तो फिर क्या कॉम्बिनेशन होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे दोस्तों। टेमी बे माउंट की बात करेंगे तो राइट हैंड बैट्समैन है और आपने लास्ट मैच देखा यहाँ पे 76 रन की पारी है जो कि एक अच्छी पारी कह सकते हैं, उससे पहले यहाँ पे 11, यहाँ पे 33, 25 और यहाँ पे दोस्तों 3। और अगर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड ओमेंस के अगेंस्ट में जो इनका बल्ला चलता है वो काफ़ी काबिलियत रही है दोस्तों, 55 का औसत है ODI मैचेस में, 15 मैच खेल चुके हैं, 739 रन इन्होंने बनाया हुआ। हालांकि ओमेन ODI में भी इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 75 मैच में 2667 रन दोस्तों और 74 का औसत, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लंबी पारी तो भाई कभी कभी नहीं भाई हमेशा ये खेलती है, ठीक है, और जल्दी आउट होने के चांस इनके कम ही रहते हैं। तो बैटिंग पिच है दोस्तों फिर से आप सीबीसी ट्राई कर सकते हो, बट वेन्यू पे अभी तक इन्होंने 2 मैचेस खेले जिसमें कि ओनली 6 रन है, 3 का औसत है, तो थोड़ा सा ऐसा करिएगा अगर 2-3 ग्रांड लीग की टीम बनाते तो फिर उसमें दोस्तों थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप थोड़ा सा हटके कर सकते हैं कि एक टीम से ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हैं, बट कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको इस खिलाड़ी को ट्राई करना होगा क्योंकि दोस्तों आंकड़े इसके गजब के, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बोसर की जो कि लास्ट में 67 रन की पारी, यहाँ पे 34, यहाँ पे 17, 26, 19 गए, ठीक है, अगेन 4 मैच 137 रन, 34 का औसत है और वेन्यू पे दोस्तों मैच इन्होंने खेला नहीं है। हालांकि ओमेन ODI के जो मैचेस खेले टोटल 12, 293 रन दोस्तों, 29 का औसत है, लास्ट मैच अच्छी पारी है, फ्लॉप होने के चांसेस कम होते हैं, टीम में रख लीजिएगा। सीबीसी का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट टीम में तो आप इन दोनों को ट्राई करके चल ही सकते हो। हेथर नाइट की बात करेंगे दोस्तों लास्ट मैच जो कि 9 रन की पारी है, उससे पहले यहाँ पे 12, 29, 31, 37 इस हिसाब से इन्होंने बैटिंग करी। हालांकि बॉलिंग के चांस थोड़े से कम बन रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादातर टीमों में आप रखना मत। एंड यहाँ पे न्यूजीलैंड ओमेंस के गेस में 14 मैच है, 547 रन, 42 का औसत, 6 विकेटें भी निकाली हुई हैं। वेन्यू पे 2 मैच 50 रन है, 25 का औसत दोस्तों, 0 विकेट है। हालांकि जो ODI करियर इनका काफ़ी बढ़िया है, 65 मैच में 2108 रन दोस्तों, 39 का औसत है। एंड नेट सिल्वरब्रंड जो कि दोस्तों आपको पता करके बॉलिंग करती है, बैटिंग और लास्ट मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, और अगर इंग्लैंड ओमेंस दोस्तों पहले बैटिंग करते तो फिर इनका बैटिंग कन्फर्म है कि आ जाएगा, उस कंडीशन में फिर आप सीबीसी भी ट्राई करिएगा, चेस करते हुए थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, ठीक है, सीबीसी के लिए। हालांकि लास्ट मैच 1 विकेट मिल गई थी, उससे पहले यहाँ पे देखिए 124 प्लस 2 विकेट अच्छा रिकॉर्ड रहता है, 31 रन, 27 रन प्लस जो है 1 विकेट। और न्यूजीलैंड वुमेंस के गेस में 13 मैच हो चुके हैं, 352 रन दोस्तों, 29 का औसत, 16 विकेट है, तो विकेट जरूर है कि मिलनी मिलनी है। हालांकि एडवांटेज बढ़ जाएगा जब इंग्लैंड वुमेंस दोस्तों पहले बैटिंग करेगी तो फिर आप सीबीसी ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स ये दे सकते हैं। वेन्यू पे 2 मैच है, 65 रन दोस्तों, 1 विकेट है, 32 का औसत है। और ODI करियर दोस्तों कहने का इनका ठीक ठाक 49 का औसत, मतलब बैटिंग अच्छी कर लेती हैं, ठीक है, और बॉलिंग तो दोस्तों लगातार ये कर ही रही हैं। लेकिन यहाँ पे अब 5वें नंबर पे आपको मिलते हैं डेनी वेट जो कि दोस्तों बैटिंग इनकी लास्ट मैच नहीं आई है। हालांकि यहाँ पे 44 इनका रिसेंट फॉर्म रहा है, यहाँ पे 4-2, 16-43 और दोस्तों फ्लॉप होने के चांस इनके ज़्यादातर रहते हैं, तो थोड़ा सा कम ही अपनी टीम में ट्राई करने के लिए सोचिएगा। न्यूजीलैंड वुमेंस के केस में 12 मैच है, 158 रन, 14 का औसत है। वेन्यू पे 1 मैच, 7 रन दोस्तों, 7 रन की पारी है दोस्तों। और अगर हम बात करें ओमेन ODI के जो इन्होंने मैचेस खेले टोटल 54 जिसमें कि 1198 रन है, 27 का औसत, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ज़्यादा टीमों में आपको ट्राई निकलना, स्मॉल लीग और 3 से 4 मेंबर वाली में ट्राई करेंगे तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। अगर ये गलती से भी दोस्तों कहीं ना कहीं 20 से 25 रन बनाए तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आपके सामने वाली टीम का जो बंदा होगा भाई बिल्कुल लेकर के नहीं आने वाला क्योंकि लो सिलेक्शन खिलाड़ी रहने वाले। फिर एमी जोन्स लास्ट में दोस्तों बैटिंग नहीं, यहाँ पे 27, यहाँ पे फिर बैटिंग नहीं, 37, 50 और 48 के काफ़ी नीचे बैटिंग है, तो भाई इनसे जहाँ तक अगर देखेंगे सामने वाली टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन जो प्लेयर आपको मिलेंगी, अगर वो टॉप पे बैटिंग कर रही है, इनसे पहले बैटिंग आती है उनके 3rd-4th नंबर पर, तो उस खिलाड़ी के साथ चलेंगे, अदरवाइज ये खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं क्योंकि रिसेंट आप देख सकते हैं 27, 37, 50, 48 दोस्तों। और खास करके बैटिंग के चांस इनके तभी रहेंगे जब ये टीम फिलहाल पहले बैटिंग करेंगे दोस्तों तब। एंड अगर हम बात करें हिटवेट तो 13 मैच है, 536 रन, 48 का औसत है। वेन्यू पे 2 मैच, 36 रन दोस्तों, 18 का जो है औसत है। और ओमेन ODI 62 मैच, 1445 रन, 28 का औसत है। खिलाड़ी दोस्तों यूनिक हैं बट यहाँ तक बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या तो कहीं ना कहीं अगर टॉप पर जल्दी विकेट गिरती तो फिर बैटिंग यहाँ पर आ सकती है। चार्ली डिन की बात करेंगे तो लास्ट मैच बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, भाई कंसिस्टेंट बॉलिंग तो वैसे भी ये करती हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 4 1 विकेट 2 विकेट 4, यहाँ पे 0 1, तो 4 विकेट लास्ट मैच में भी इन्होंने निकाला है। हालांकि जो कि न्यूजीलैंड वुमेंस के गेस में इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है, टोटल 9 मैच खेल चुकी हैं और 17 विकेट हो चुकी हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीबीसी का कॉम्बिनेशन तो करना एक
अच्छा ऑप्शन हो सकता है गाइस। सोफी क्लोस्टोन की बात करेंगे तो फिर इनका जो रिसेंट फॉर्म है, 2 विकेट इनको मिल गई थी, 3 विकेट यहाँ पे, 3 और यहाँ पे, 1-1 और यहाँ पे 21। लेकिन इनका भी बढ़िया रिकॉर्ड है, 15 मैच में 21 विकेटें हैं। अगेन न्यूजीलैंड ओमेंस वेन्यू में दोस्तों 2 मैच में 2 विकेटें हैं, ओडीआई करियर 59 मैच में 94 विकेटें हैं। तो ये दोनों का आप एक टीम में जो सीवीसी का कॉम्बिनेशन भी करके चल सकते हो, जो कि आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन साबित होगा, अच्छी टीम दोस्तों आपकी बनके तैयार हो जाएगी। बाकी यहाँ पे लॉरेन बेल की बात करेंगे तो लास्ट मैच फ्लॉप है, बाकी यहाँ पे 2 विकेट 2, यहाँ पे 1-3 गेस, अगेन 3 में 4 विकेटें, चौंका सकती हैं, ट्रम्प कार्ड बन सकती हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड काफ़ी गजब का है, 13 मैच दोस्तों 22 विकेटें हैं और लास्ट मैच फ्लॉप गई हैं। तो क्या हुआ, इस मैच में इनका सिलेक्शन बहुत कम होगा, बहुत कम लोगों की टीम में रहने वाले, बट आप एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी ट्राई कर सकते हो। सारा ग्लेन की बात करेंगे तो 1 विकेट यहाँ पे 0-2, यहाँ पे 0-1, तो इस खिलाड़ी की जगह पे दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस खिलाड़ी को इस मैच में ट्राई करेगा, आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, हाईएस्ट विकेट खिलाड़ी निकालने वाली है। एंड यहाँ पे सारा ग्लेन देखिए 4 मैच 5 विकेट हैं न्यूजीलैंड के गेस में, और यहाँ पे वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, ओडीआई करियर 17 मैच दोस्तों 19 विकेट है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडवांटेज लॉरेन बेल के पास है, अगर ये खिलाड़ी विकेट निकाली तो कम से कम 2 से 3 विकेट दोस्तों आपको निकाल के देने वाली। लास्ट प्लेयर यहाँ पे लॉरेन फिलर, जो कि लास्ट मैच है दोस्तों 1 विकेट है, यहाँ पे 1-0-0, यहाँ पे 2-1, और दोस्तों न्यूजीलैंड ओमेंस के गेस में 3 मैच में 2 विकेटें, वेन्यू पे मैच खेला नहीं है, हालांकि ओडीआई करियर 9 में 12 विकेटें हैं। तो उम्मीद कहीं ना कहीं वही करिएगा, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट बहुत मुश्किल से, क्योंकि रिसेंट उतना खास रिकॉर्ड है नहीं दोस्तों, ठीक है। स्मॉल लीग और 3 से 4 मेंबर वाली टीम के लिए ट्राई करेगा, और मेगा ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड के तौर पे आप यहाँ पे लॉरेन बेल को ट्राई कर सकते हो। बेंच की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई खिलाड़ी चेंजमेंट करता है, जैसे कि कैटी क्रॉस, कैप्सी हो गई, सोफिया डंकली, तो जहाँ तक मुझे दोस्तों लग रहा है कि यहाँ पे कैप्सी खेल सकती हैं दोस्तों, ठीक है, इस मैच को अगर ये खेलते हैं तो सीवीसी का आपके पास ऑप्शन होगा, ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे वाली टीम के बारे में जानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड ओमेंस, आपको यहाँ पे जो इनकी ओपनिंग मिलती है वो दोस्तों होती है सूजी बेट्स और यहाँ पे प्लीमर के द्वारा, हालांकि दोनों ही बैट्समैन काफ़ी अच्छा रन बना सकती हैं। तीसरे नंबर पे अमेले कर, जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों है, सोफी डिवाइन मिल जाती है, फिर मैडी ग्रीन और यहाँ पे हेलीडे और यहाँ पे इशबिल गेस एंड यहाँ पे हन्ना रूबे, जेस कर और यहाँ पे मोली एंड यहाँ पे फ्रन जोन्स दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बैटिंग सेक्शन का जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी लास्ट टाइम तो आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर कर ही दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बॉलिंग ऑर्डर के बारे में, तो ओपनिंग जो होती है यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर, जेस्कर, रोवे एंड यहाँ पे फ्रांस जोन्स, ये बॉलिंग कराती है। डेथ की बात करेंगे तो आपको जेस्कर, केर और यहाँ पे रोवे, ठीक है। तो यही आपको जो प्लेयर हैं ये भाई बॉलिंग करते हुए स्टार्टिंग में भी दिखती हैं और लास्ट के ओवर भी यही लेकर के आती हैं। अब इस टीम की तरफ से दोस्तों किस किस खिलाड़ी को हमें टीम में लेकर के चलना होगा अपने फैंटेसी के, और अगर ये टीम पहले बैटिंग करेगी तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, या अगर चेस करती है क्या कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों, वो देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर सूजी बेट्स मैंने बताया कि अच्छी बैटिंग कर लेती हैं, बट कहीं ना कहीं इंग्लैंड ओमेंस के गेस्ट में भाई इनका रिकॉर्ड जो है, इनके जो आंकड़े हैं वो खराब हैं। जैसे कि यहाँ पर 16 रन की पारी आपने देखी है, और जो टोटल इन्होंने मैच खेले हैं इंग्लैंड ओमेंस के गेस्ट में 12 मैच 204 रन 17 का औसत, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत मुश्किल से ही 30 से 40 रन ये बना सकती हैं अगेन इंग्लैंड ओमेन, अदरवाइज वही होगा दोस्तों 16 रन 17 रन 20 रन 22 रन यहाँ पे इस प्रकार से रन बनाएंगे, क्योंकि इनका बल्ला बिल्कुल ही नहीं चलता अगेंस्ट इंग्लैंड ओमेन दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, हालांकि खिलाड़ी बढ़िया है, 39 का औसत है, ठीक है। तो 2-3 टीम बनाएंगे मेगा ग्रैंड लीग की, तो भाई एक टीम में रख लीजिएगा, 2 टीम में ड्रॉप करके चल सकते हो। एंड यहाँ पे जॉर्जियो प्लेमर की बात करेंगे तो लास्ट मैच इनकी 29 रन की पारी है, यहाँ पे 21-4-7 17-36, और अगेन इंग्लैंड ओमेंस 4 मैच 57 दोस्तों 14 का औसत है। एंड टीम सिलेक्शन की बात करेंगे तो 2 में किसी 1 का ही सिलेक्शन करेंगे, दोनों को एक साथ आप लोग मत रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर की जो खिलाड़ी रहने वाले अमेले कर, जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों हैं, हालांकि लास्ट मैच में भाई इनको विकेट नहीं मिली, 10 रन ही उन्होंने बनाया था, बाकी बॉलिंग और बैटिंग के चांस रहते हैं, तो भाई सीवीसी करके चलेगा, क्योंकि कभी भी ये कमबैक कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंट देख सकते हैं 38 रन प्लस 3 विकेट, 31 रन प्लस 2 विकेट, 14 रन प्लस 1 विकेट, 24 रन प्लस दोस्तों 2 विकेट। एंड अगेन इंग्लैंड ओमेंस 11 मैच में 12 विकेटें हैं, 215 रन 25 का औसत है। खिलाड़ी दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छा फॉर्म बैक कर सकती है, तो फिर उस कंडीशन में आपको सीवीसी तो ट्राई करना ही होगा, क्योंकि 2 बार ऑप्शन मिलते हैं इनको बैटिंग से भी और बॉलिंग से, सोफी डिवाइन बॉलिंग और बैटिंग दोनों हैं, तो खिलाड़ी को आपको टीम में ट्राई करना होगा, भले ही लास्ट मैच में ड्रीम टीम में दोस्तों शामिल नहीं हुई, बट यार इतना बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना ड्रॉप करने का, टीम में तो आप इन दोनों को ही लेकर के चल सकते हो। 5वें नंबर दोस्तों खिलाड़ी मैडी ग्रीन, जो कि भाई लास्ट मैच आपने देखा 2 रन की पारी, उससे पहले यहाँ पे 12 फिर 38 9 7 66, एंड अगेन इंग्लैंड ओमेंस 13 मैच 297 29 का औसत है। अगर आप ट्रम्प कार्ड बनाना चाहते हो तो इस खिलाड़ी को बना सकते हो, जहाँ तक उम्मीद थोड़ी बहुत आप कर सकते हो, बट इनसे ज़्यादातर बेस्ट आपके पास रहने वाली ब्रोक हेलीडे, जो कि दोस्तों लेफ्ट बैट्समैन एंड राइट एंड मीडियम पेसर भी बॉलिंग बैटिंग दोनों करती हैं, तो ये सेफ सीवीसी भी हो सकती है, क्योंकि लास्ट मैच 51 रन प्लस 1 विकेट 22 प्लस 0 विकेट 57 रन 6 और यहाँ पे 37 प्लस 0, मतलब बॉलिंग भी कर देती हैं गाइस,
और इंग्लैंड वुमेंस के गेस में 12 मैच हो चुके हैं, 306 रन 30 का औसत, 4 विकेटें भी हैं। और गैस कहीं ना कहीं अनुभव काफ़ी बढ़िया, 32 मैच ओडीआई के खेल चुकी हैं। और दोस्तों बॉलिंग बैटिंग तो भाई दो बार ऑप्शन मिलते हैं, तो ये खिलाड़ी को तो आपको टीम में लेकर के चलना होगा। सीवीसी भी आप ट्राई करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे गैजी की बात करेंगे तो बहुत नीचे बैटिंग है, हालांकि उतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, ड्रॉप कर सकते हो। हनर रोवे की बात करेंगे तो लास्ट मैच दोस्तों भले ही फ्लॉप हुई है, आज कोई विकेट नहीं मिली थी, बट उससे पहले यहाँ पे 1 विकेट 3 विकेट 1 और यहाँ पे 0 2 गेस। और ओडीआई करियर 45 में 50 विकेट, थोड़ा सा मुश्किल से विकेट मिलती है, ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक भाई ज़्यादा टीमों में आपको लेकर के नहीं चलना। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात कर लेंगे जेस केर की, तो लास्ट मैच ये भी फ्लॉप हुई है, बाकी उससे पहले 0, फिर यहाँ पे 3 2 2 0। और अगेन इंग्लैंड में 9 में 17 विकेट हैं और ओडीआई 31 में 47 विकेट हैं, तो ये खिलाड़ी कमबैक कर सकती है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को आप रिस्क ले सकते हो अपने मेगा ग्रांडी या स्मॉल लीग या 3 से 4 मेंबर वाली टीम में दोस्तों, क्योंकि रिलेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट है और रिकॉर्ड भी आंकड़े भी काफ़ी गजब के कमबैक करना बनता है। मोली अगर हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट मैच फ्लॉप है, बाकी यहाँ पे 3 3 0। अगेन इंग्लैंड 3 मैच में 2 विकेट गए, ओडीआई करियर उतना खास नहीं, 13 में 13 विकेट हैं, तो रिस्क ही रहने वाले गाइस, ज़्यादा रिस्क आप लोग मत लेकर के चलिएगा। फ्रेंड जोनस की बात करेंगे, लास्ट मैच फ्लॉप है, हालांकि यहाँ पे 1 0 2 0 1 हिसाब से इनका रिसेंट फॉर्म है। इंग्लैंड के अगेन दोस्तों कुछ खास इनका रिकॉर्ड है नहीं, 6 मैच में 2 ही विकेट हैं, बाकी ओडीआई करियर 23 मैच में दोस्तों 17 विकेट हैं, तो भाई कम रिस्क लेकर के चलेगा अपने टीम में। बेंच की बात कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं एडन कैरसन और यहाँ पे मिकाला गेरिग लॉरेन डॉन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कोई खिलाड़ी अपडेट होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों कई प्लेयर्स आप लोग देख सकते हैं जो कि भाई इन खिलाड़ी को आपको ट्राई करके चलना होगा। सीबीसी का ऑप्शन जो आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ट्रंप प्लेयर दोस्तों लॉरेन बेल, मैंने बताया कि जहाँ तक आप रिस्क ले सकते हो। एंड यहाँ पे बाकी बात करेंगे टीम सिलेक्शन की, तो इस हिसाब से हमारी टीम हो सकती है। बाकी गाइस मैंने आपको बताया जो कि इस टीम में आप क्या चेंजमेंट कर सकते हो, जो कि न्यूजीलैंड वुमेंस की तरफ से जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्शन नहीं किया गया, तो मैं आपको बता देता हूँ ये खिलाड़ी को मैंने आपको बताया था जिसको आप सीबीसी भी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको जो खिलाड़ी मिलने वाली है, कहाँ गई दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिएगा, ये दोस्तों ठीक है, ब्रोक हैलिडे, यहाँ पे ब्रोक हैलिडे को आप अपने फैंटसी मेगा ग्रैंड लीग टीम में एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी दोस्तों ट्राई कर सकते हो। किसके जगह पे दोस्तों, जहाँ तक यहाँ पे जैसे सूजी बैट्स आपको मिल गए, ठीक है, अब बॉलिंग हालांकि कराती हैं बट आप ट्राई करने का रिस्क ले सकते हो। हुईतर नाइट के जगह पे दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको हटके चलना होगा। एंड यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया है बेमोंट को हमने ट्राई किया इंग्लैंड की तरफ से, दोस्तों मैं आपको पूरा रिहर्सल करके बता देता हूँ, तो यार उस खिलाड़ी को आपको ट्राई करना होगा। जैसे कि हमने टीम में ट्राई नहीं किया, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बेमोंट को तो हमने रखा, जैसे बेमोंट को और यहाँ पे मिया बोसर, ठीक है, तो ज़्यादा टीमों में नहीं ट्राई करना, बट यार ये खिलाड़ी भी आपको ट्राई करना होगा। दो खिलाड़ी मैंने बताया, ठीक है, ब्रो को और यहाँ पे बोसर को, ठीक है, किन किन के जगह पे दोस्तों, सूजी बैट्स हो गई आपके पास और नाइट हो गई, ठीक है, इनके जगह पे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो गाइस। बाकी फाइनल जो अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला। तो बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे फिलहाल नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।